जिन लोगों को औरत का लफ्जी माना भी नहीं मालूम, आज वो हिजाब पर ज्ञान दिए जा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दो तीन किताबों को पढ़कर दुनिया को ये समझा रहे हैं कि इस्लाम में हिजाब का क्या मतलब है। कहीं सरे बाजार बहन बेटियों के हिजाब उतारे जा रहे हैं, तो कहीं हिजाब की वजह से मुस्लिम बहनों को तालीम से रोका जा रहा है। कल तक स्कूल और कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ते थे, लेकिन आज स्कूल और कॉलेज में हिंदू और मुसलमान पढ़ रहे हैं। हिजाब पर कर्नाटक में जारी नाटक के पीछे का सच क्या है, और ये साजिश कौन कर रहा है, और इसको हवा कौन दे रहा है, ये जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट दी। हिजाब, कल तक जिसको हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को बचाने वाला लिबास मानते थे, आज उसको तमाशा बना दिया गया है। बुर्का, जिसको पहनकर हमारी माएँ बहनें खुद को बाइज्जत तसव्वुर करती थीं, आज बेशर्मों और बेहयाओं की फौज ने उसको दागदार कर दिया है। नतीजे में आज बहन बेटियों के हिजाब को कॉलेज के बाहर सरे बाजार उतारा जा रहा है। हमारा माशरा इस कदर गिर जाएगा ऐसा सोचा नहीं था। किसी भी समाज में शर्म हया इज्जत व आबरू का ताल्लुक सीधे तौर पर खवातीन और समाज की औरतों और लड़कियों से जुड़ता है। समाज में लड़कियां बेपर्दा रहे, बदन का एक बड़ा हिस्सा बेपर्दा रखे, तो उस माशरे में बेहयाई का बाजार गर्म होता है। लेकिन इन दिनों पर्दा और हिजाब को बेआबरू करने का जो नाटक कर्नाटक में हो रहा है, उसने सभ्य समाज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमने अपनी पहचान, अपनी रिवायत और अपनी विरासत से खुद को निकालकर आखिर क्यों वेस्टर्न कल्चर को तरजीह देना शुरू कर दिया। चूंकि कल तक हमारे मुआशरे में बहन बेटियों की बेपर्दगी को समाज बर्दाश्त नहीं करता था, और आज हालत यह है कि मुआशरा खुद अपनी बहन बेटियों को बेपर्दा करने के लिए आवाज़ उठा रहा है। हिंदुस्तानी कल्चर में हया, शर्म और इज्जत व आबरू का मतलब उस समाज की औरतों और बहन बेटियों का पर्दे में रहना, अदब से रहना और बेहयाई से दूर रहना तसव्वुर किया जाता था। लेकिन आज नाम निहाद तरक्की के नाम पर हमारा मुआशरा भी कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल को भूल गया कि मिसदाक बदल रहा है। यही वजह है कि आज औरतों के हिजाब को लेकर इस कदर हंगामा जारी है कि मुस्लिम बहनें अपने मुस्तकबिल को लेकर खौफ का शिकार है। और अजीब बात यह है कि औरतों के हिजाब के खिलाफ प्रोपेगेंडा में गोदी मीडिया ने इस बार जितनी मेहनत की है, शायद ही इससे पहले किसी असाइनमेंट में मेहनत की हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस गोदी मीडिया को औरत लफ्ज़ का माना भी नहीं मालूम, फिर भी घंटों ज्ञान दिए जा रहे हैं, और कुछ ज़मीर फरोश अपनी बहन बेटियों की आबरू का सौदा करने में उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए ये बताना ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है कि औरत लफ्ज़ का माना ही पर्दा होता है। इस्लाम में औरत और पर्दा दोनों लाजिम मलसूम है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि हिजाब के जरिए मुस्लिम औरतों को कैद किया गया है, तो यकीन के साथ ये कहा जा सकता है कि ऐसे लोग ज़हनी गुलामी और हिजाब फोबिया के शिकार हैं। उन्हें मालूम नहीं कि हिजाब और बुर्का में फ़र्क क्या है। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि पर्दा इस्लाम में ज़रूरी क्यों है। यहाँ तक कि उन्हें इस चीज़ का भी इल्म नहीं कि पर्दा की कितने किस्में हैं। लेकिन एक और बात है जिसको ध्यान में रखना इंतहाई ज़रूरी है, वो ये है कि पर्दा के तहीं बुनियादी इल्म का फुकदान सिर्फ गोदी मीडिया और उसके मुखालफिन ही में नहीं, बल्कि दूसरी जानिब जो हिजाब के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं और बेहिजाब मुस्लिम लड़कियों को निशाना बना रहे हैं, वहाँ भी जहालत कम इल्मी का बोलबाला है। दो तीन किताबें और किताबचा पढ़कर खुद को मौलवी मुफ्ती समझने वाले लोग भी इस हम्माम में पूरी तरह से नंगे हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि इस्लाम एतदाल पसंद में यकीन रखता है। उन्हें यह नहीं मालूम कि सिर्फ दावत देना ही एक दाई का काम होता है। उन्हें यह नहीं मालूम कि इस्लाम में किसी भी तरह से जोर ज़बरदस्ती की गुंजाइश नहीं है। उन्हें यह नहीं मालूम कि हर छोट भैया मौलवी फतवा नहीं दे सकता, किसी को बेदीन नहीं कह सकता, किसी बेहिजाब लड़की की किरदार पर कीचड़ नहीं उछा सकता। लेकिन पिछले दिनों कश्मीरी बहन अरुषा के साथ जिस तरह का सलूक उन चार किताब वाले फर्सी मौलवियों ने किया, वो न सिर्फ समाज के लिए बल्कि खुद मजहब इस्लाम के लिए बेसूद और नुकसानदेह हैं। इसलिए ऐसी सोच से माशरे को बचाना भी ज़रूरी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस हिजाब पर इस कदर इस वक्त हंगामा क्यों है। यकीन जानिए कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है सियासी रोटी सेंकना। जब भी किसी रियासत में इंतखाबात के दिन करीब आते हैं, अकलियतों को किसी न किसी बहाने निशाना बनाकर सुर्खियों में लाने की साजिश रची जाती है, और इसमें गोदी मीडिया अपनी गुलामी का भरपूर हक अदा करता है। नतीजे में हर इंतखाबी माहौल में मस्जिद, मंदिर, टोपी, हिजाब, पाकिस्तान, इस्लाम, अजान और खुले में नमाज जैसे मसले को हवा देने की कोशिश की जाती है।
इसके सहारे एक खास कम्युनिटी का वोट हासिल करने की कोशिश होती है। कभी कोशिश कामयाब हो जाती है, कभी नहीं होती। इस बार हिजाब पर तजर्बा किया जा रहा है, शायद कुछ वोट मिल जाए, लेकिन मुआशरे में बेहयाई परवान चढ़ेगी, इससे इन सियासी जमातों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हिजाब इस्लाम में बालिग लड़कियों के लिए लाजिम है, इसीलिए इस्लाम में महरम और गैर महरम का भी कंसेप्ट है। पर्दा को तीन तरह से समझा और इस्तेमाल किया जाता है। एक वो ग्रुप जो पर्दे को बहुत ही शिद्दत से इख्तियार करने का कायल है, उसके नज़दीक एक औरत का सर से पैर तक मुकम्मल बुरके में ढका होना पर्दा माना जाता है। एक ग्रुप जो एतदाल पसंदी में यकीन रखता है, उसके मुताबिक चेहरा और हाथ का पंजा खुला रखकर बाकी हिस्से को पर्दे में रखना पर्दा है। और एक आज़ाद ख्याल ग्रुप है जो सर ढकने से लेकर गर्दन ढकने को भी ज़रूरी नहीं समझता। इन तीनों किस्मों में एतदाल पसंदी वाली किस्म ज़्यादा मुनासिब और राज भी है, चूँकि इस्लाम एतदाल पसंद मज़हब है। ऐसे में अगर मुस्लिम बहनों को बेहिजाब करने की साजिश रची जा रही है तो इसका मतलब वाज़ह है कि गंदी सोच के लोग आपकी बहन बेटियों की आबरू को, जो आपके लिए सबसे कीमती शय है, उसको खुले बाजार में लाकर उसकी अहमियत को कम और ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे यूरोप और अमेरिका में है, जहाँ इज्जत आबरू और हया नाम की कोई भी शय किसी खास अहमियत के हामिल नहीं है। अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो हिजाब के खिलाफ आवाज़ उठाइए, और अगर ऐसा नहीं चाहते हैं, अपनी बहन बेटियों के जिस्म की भरे बाजार में रूनमाई नहीं चाहते हैं, तो फिर अपनी बहन बेटियों को ऐसी तालीम दीजिए कि वो अपनी तालीमी सफ़र में हिजाब को किसी भी नाइये से रुकावट तसव्वुर न करें। चूँकि दुनिया गवाह है कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब में रहकर भी न सिर्फ खेल के मैदान में अपना हुनर दिखा रही हैं, बल्कि जिंदगी के हर मैदान में बिला रुकावट अपनी सलाहियत का लोहा मनवा रही हैं। यकीन नहीं हो तो अरब ममालिक की मुस्लिम बहनों को आप देख सकते हैं। अलबत्ता भारत के इन गोदी मीडिया प्रोपेगेंडे से अपने समाज को भी बचाइए और अपनी औलाद को भी, चूँकि उनका काम सिर्फ एक रह गया है, और वह है हिंदू मुस्लिम के माबैन नफरत की दीवार को ऊँची करना और समाज में जहर घोलना। इसलिए मुहतात रहें और बेदार रहें, ताकि आपका समाजी ताना बाना बरकरार रहे।